सभी प्रमुख साथीगण, आप सबों का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। कल राष्ट्रीय परिषद की बैठक में और आज के खुला अधिवेशन में सभी ने एक स्वर से एक साथ हाथ उठाकर हम लोगों ने माननीय राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन बाबू को निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष होने का समर्थन किया है। इस ऐतिहासिक मौके पर मैं अपनी ओर से और पूरे बिहार प्रदेश इकाई की ओर से बहुत बहुत कोटि कोटि बधाई देता हूं। इन्होंने अथक अनुभव से अपने अथाह अनुभव और अथक प्रयास से इन्होंने पार्टी को त्रास कर इतना धरदार इतना मजबूत बनाया कि हम लोग ने 12 से 12 लक्ष्य भी हासिल करने में हासिल कर सकते हैं। मैं वचन देता हूं कि जब भी बिहार प्रदेश से जो भी इन्हें अपेक्षा होगी, हम लोग पूरा विश्वास दिलाता हूं कि हर अपेक्षा पर खरा उतरने का काम करेंगे। मेरा सौभाग्य है कि मुझे लगातार दूसरी बार पार्टी प्रदेश इकाई का अध्यक्ष चुना गया। अपने संदार राष्ट्रीय अध्यक्ष और अपने संदार राष्ट्रीय अध्यक्ष के मार्गदर्शन में और युग पुरुष माननीय मुख्यमंत्री जी के विशाल नेतृत्व में काम करने का अवसर मिला है। साथियों, मैं आप सभी से सिर झुकाकर मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूं। साथियों, कई हमारे वरीय नेता को बोलना है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का माननीय मुख्यमंत्री जी का संबोधन होना है, लेकिन जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको मैं आपसे अवगत कराना चाहता हूं। ये 2022 का अंतिम दिसंबर महीना है, महीना का इस साल का कुछ ही दिन शेष रह गया है। अब जो है इसके बाद 23 और उसके बाद पार्टी का जो मिशन है 2024 वो 24 जिसके कामयाबी के लिए जो महीना है, हर महीना ही नहीं, हर दिन ही नहीं, हर पल हमारे लिए कीमती है। इसीलिए मैं साथियों मैं कहना चाहता हूं, हम सभी साथी इसे जो 24 का मिशन है उस मिशन की कामयाबी के लिए अपनी पार्टी को मजबूती करने के लिए हम सब इस महाजट को अपनी आहुति देने का काम करें। भारतीय जनता पार्टी आज पूरे देश में उससे तही की स्थिति है। केंद्र की सरकार उस प्रचार पर टिका हुआ है, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और है। हर दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी चरम पर है। साथियों, देश में 65% जो है युवा है, और युवा जो है वो युवाओं अपने दिशाविहीन है, बेचैन है और विकल्प की तलाश में है। इन युवाओं तक हम सबों को पहुंचना है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि अभी पार्टी ने जो सदस्यता अभियान चलाया है, हम लोग ने 70 लाख प्राथमिकी सदस्य बनाया है। जो हमारे पार्टी के जो सभी जो हमारे नेता में आस्था रखने वाले लोग हैं, नीति सिद्धांत रखने वाले लोग हैं, वो तो प्राथमिकी सदस्य ग्रहण किए हैं और उसमें 60% से अधिक युवाओं की भागीदारी है। यहाँ तक कि हम लोग को पहुंचना है, मैं उस युवाओं को मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि हम लोग जो कल का जो भारत का सुनहरा जो तस्वीर है, अगर किसी के आंखों में है तो नीतीश कुमार जी के आंख में है। इसलिए आज गांधी जी नहीं है, लोहिया जी नहीं है, जयप्रकाश जी नहीं है, अंबेडकर जी नहीं है, कर्पूरी ठाकुर जी नहीं है, लेकिन उनके विचार आज हमारे नेता नीतीश कुमार में, तो उनके जो आदर्श है, उनके जो विचार है,
सरफ जमीन पर उतारने का काम हमारे नेता ने किया है। इसीलिए मेरे साथियों, मैं कहना चाहता हूँ, समय का बहुत कम है, अभाव है, लेकिन मैं सभी साथी से मैं आग्रह करना चाहता हूँ, इस मुहिम में सभी यहाँ आगे महिला साथ महिला नेत्री भी बैठी है, सभी लोग से चाहे जितने भी हमारे जो इस सभागार में आए हैं, सभी उपस्थित सभी साथी से मैं कहना चाहता हूँ कि समय बहुत कम है। पार्टी का जो मिशन है, उस मिशन के कामयाबी के लिए आप लोग 24 घंटा अपना जो है समय पार्टी के लिए देने का काम करिए, दिन रात देने का काम करिए ईमानदारी और निष्ठा के साथ, तो निश्चित ही हमें सफलता से और हमारे जो नेता हैं उनको लाल किला पर झंडा फहराने से कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ, समय का अभाव है, कई बार ये नेता को हमारे माननीय नेता को बोलना है, इसलिए इन चंद शब्दों के साथ जो पूरे बिहार से और अन्य देश के अन्य राज्य से उपस्थित हुए हैं इस चुनाव अधिवेशन में, मैं सभी लोग का मैं सम्मान करता हूँ, हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। अगला मेरा जो हम लोग का चुनाव अधिवेशन हो वो राष्ट्रीय जब पार्टी हमारा हो जाए उसमें हमारा चुनाव अधिवेशन हो, इसलिए राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए और बिहार से इतनी ताकत अपने नेता को